50,000 का डिस्काउंट है, तो चलो आपके लिए मैं ट्राई करूंगा कि चलो 70 तक दे दूं, जो भाई आपके व्यूवर होंगे। हमारे चैनल से जो आएगा उसको 70,000 का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। आपको जो शोरूम में डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। हमारे चैनल की तरफ से 70,000 का सर डिस्काउंट दे रहे हैं। नमस्कार मेरे यार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आर्यन चोपड़ा और मेरी वीडियो में तहे दिल से आपका स्वागत है यार। आज हम आए हैं ऑटो एम्पायर सेक्टर 47 नियर DPA स्कूल। और भाई आज का जो स्टॉक दिखाऊंगा ना वो ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि स्टॉक में सेकेंड हैंड कार्स तो मिलेंगे ही सही, लेकिन यहाँ पे आपको अनरजिस्टर्ड फर्स्ट हैंड कार्स भी मिल जाएंगी। अनरजिस्टर्ड कार का मतलब बताऊँ क्या होता है? अनरजिस्टर्ड कार का मतलब यहाँ पे आपको ऐसी कार मिलेंगी जो बिल्कुल न्यू होगी, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक, और वो कार हर स्टेट के लिए अवेलेबल है। बात करेंगे तो जानेंगे कि आज के स्टॉक में क्या खास होने वाला है। एक बात और बोलूँगा, अगर वीडियो लंबी हो जाए हमेशा की तरह टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यार। तो भाई आज हम आए हैं ऑटो एम्पायर के ऑफिस में, बात करेंगे सर से और थोड़ा डिटेल में पूछेंगे कि क्या होने वाला है स्टॉक में आज। अनरजिस्टर्ड कार के बारे में सर बताएंगे। सर एक बार आओ सर, सबसे पहले बताओ कि क्या स्टॉक रहने वाला है आज। देखिए हमारे पास आज हम मिडिल रेंज की जो गाड़ी होती है वो हम रखेंगे, और वैसे तो डील हम प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में भी करते हैं, लेकिन आज मिड सेगमेंट आपको दिखाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम इस महीने मेरे पास जितनी भी गाड़ी थी 52 का स्टॉक था मेरे पास, जिसमें से बहुत सारी गाड़ियां सेल हो चुकी है, और अभी अप्रॉक्सीमेट 32 की आसपास गाड़ियां, और यहां पे स्टॉक में 25 प्लस गाड़ियां हैं। ठीक है, जो आज मैं आपकी वीडियो में ये दिखाऊंगा। ठीक है सर, एक बात मुझे पूछनी थी, मेरी सर से बात हुई थी तो सर बता रहे थे कि अनरजिस्टर्ड कार भी यहां पे होने वाली है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड अर्टिगा है मेरे पास और XL6 है मेरे पास। ठीक है, जिसका आपको ZXi प्लस भी मिल जाएगा, ZXi भी मिल जाएगा। टॉप मॉडल? यस यस टॉप मॉडल है, और इसमें ये पेट्रोल में मिलेगा आपको, ये 2021 जीरो किलोमीटर माइलेज के साथ में इसमें आप डिस्काउंट दूंगा। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे अगर मेरा हुआ तो और लोगों का भी होगा, अनरजिस्टर्ड कार का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? अनरजिस्टर्ड कार का मतलब अगर कोई कार खरीदेगा तो वो उसका फर्स्ट ओनर बनेगा। यस एग्जैक्टली वो फर्स्ट ओनर बनेगा। ये जो कार है अनरजिस्टर्ड, ये न्यू कार से थोड़ी अलग कैसे होती है शोरूम कार से? ये शोरूम की ही कार है वैसे। शोरूम की मतलब कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है, शोरूम की ही कार है, जो शोरूम में मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, विद शोरूम की वारंटी जो होती है सेम वारंटी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एंड आपको जो शोरूम में डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा हाँ, तो सर क्या डिस्काउंट मिल जाएगा? मान लो कोई कार है तो कितने परसेंट कुछ मिलेगा या फिर? देखिए इसमें ये फ्लैट डिस्काउंट है जो अर्टिगा में ZXi एंड ZXi प्लस में एंड XL6 में भी है। ठीक है, 50,000 का डिस्काउंट है, तो चलो आपके लिए मैं ट्राई करूंगा कि चलो 70 तक दे दूं, जो आपके व्यूवर होंगे। हमारे चैनल से जो आएगा उसको 70,000 का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है न्यू कार पे। अनरजिस्टर्ड मतलब न्यू कार है, आप उसके फर्स्ट ओनर बनोगे। और सर कोई और स्टेट में अनरजिस्टर्ड कार ले जाना चाहे या न्यू कार ले जाना चाहे बोलूंगा। अगर ये दिल्ली NCR के बाहर, जैसे कि आप समझ लो कोई राजस्थान लेके जाना चाहता है या MP लेके जाना चाहता है, तो ये वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, लाइक MP का नंबर लग जाएगा वहाँ पे, उसको फाइनेंस की भी सुविधा मिल जाएगी, गाड़ी उसके लिए भी फर्स्ट ओनर होगा और सेम वारंटी जो शोरूम की तरफ से होती है। सेकेंड हैंड कार डीलरशिप में आपको फर्स्ट हैंड कार मिलने वाली है, तो ये यहीं पे ही हो सकता है भाई। स्टार्ट करते हैं, एक बार स्टॉक दिखाओ सर। सबसे पहले कार की तरफ आते हैं सर, ये आगे स्कोडा की स्कोडा का सुपर्ब है। ठीक है, जो टॉप मॉडल LNK आती है वो है, ये 2016 मॉडल है, ये चली हुई है 60,000, फर्स्ट ओनर है विद दिस नंबर। इसकी देखिए, इसकी जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बता दूं, इसमें ऑलमोस्ट जो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों में जो फैसिलिटीज एंड फंक्शंस मिलते हैं वो सभी मिलेगा विद हीटेड सीट। जो स्पेशलिटी जो लग रही है मैं आपको बता दिया इसमें। ठीक है, सनरूफ भी है इसमें? सनरूफ भी है इसमें, पुश बटन स्टार्ट है, इसका जो गियर बॉक्स है वो है ऑटोमेटिक है, तो गाड़ी जो है
ये फुल्ली लग्जरी है बिल्कुल जी। सर कौन सा मॉडल है और कितने किलोमीटर ड्रिवन है? ये मैंने आपको बताया कि ये 16 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है और 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ठीक है जी, 16 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है। आस्किंग इसकी सर कितने की है? 16,70,000 की। 16,70,000 की आस्किंग है। नेगोशिएबल या फिक्स प्राइस? थोड़ा सा नेगोशिएबल है, डेफिनेटली हम नेगोशिएट करेंगे। बिल्कुल वही नेगोशिएबल है, आओ ऑन टेबल डिमांड करो। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, सिल्वर कलर की वॉक्सवैगन पोलो। जी जी, ये पोलो है हाई लाइन में। ठीक है, 2019 का मॉडल है, 48,000 किलोमीटर ड्रिवन है, फर्स्ट ओनर है, अनटच, बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है सर, हाई लाइन मतलब ये 3 सिलेंडर वाली है या वेंटो इंजन वाली है? ये 3 सिलेंडर वाली है और इसमें आपको मिलेगा लाइक स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, कंडीशन बहुत अच्छी पोलो है। अपने अब पिकअप के लिए जानी जाती है। yes, yes. टॉर्क जो पोलो देती है वो शायद इस सेगमेंट की और कोई कार देती हो। यस एग्जैक्टली सर, क्या डिमांड है इसका? सर इसका डिमांड रहेगा आपका 6,30,000 का। 6,30,000 रुपए में पोलो सिल्वर कलर HR नंबर आपकी। एक और पोलो खड़ी है, आगे बढ़ते हैं। सर सर ये पोलो नहीं है, एक्चुअली शेप आगे से ऐसे लग रही है तो मैंने बोला ये होगी वॉक्सवैगन की वेंटो है। वेंटो, तो ये वॉक्सवैगन वेंटो, ये भी हाई लाइन है, ये डीजल ऑटोमेटिक है, चली हुई ये बहुत कम है, जो आपको मिलेगी नहीं डीजल से, आप एक्सपेक्टेशन करोगे नहीं। विथ रिकॉर्ड 40,000 किलोमीटर चली हुई है। 40,000 किलोमीटर, कितने साल पुरानी है ये? 2015 की है। 2015, 40,000 किलोमीटर। सर टेम्पर मीटर, मेरी टेम्पर बिल्कुल, इसकी गारंटी है मेरे तरफ से। ठीक है कि आपको ऑटो एम्पायर में दो गाड़ियां नहीं मिलेंगी, एक्सीडेंटल और मीटर टेम्परिंग। अगर आप बोलोगे कि भैया आप गाड़ियों का ये कैसे, तो मेरे पास 1,00,000 चली हुई गाड़ी भी है, मैं लोगों को बताता हूँ, 1,00,000 चली हुई है, लोग खरीदते भी हैं जी। तो भाई ये तो सर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है। डिमांड सर इसकी क्या करी है? इसका डिमांड है 5,70,000 की। 5,70,000, 40,000 किलोमीटर ड्रिवन कार है, बेस्ट डीलर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, सुजुकी की सियाज। जी तो ये मारुति सियाज है। ठीक है, और इसमें ये 2016 मॉडल है, ZDI प्लस डीजल में आती है ये ZDI। टॉप मॉडल हो गया जी, ये टॉप मॉडल है और इसके साथ आपको फैंसी नंबर भी मिलेगा, आप देख लीजिए। ठीक है जी, फर्स्ट 9595 जी, फर्स्ट ओनर है, 68,000 ड्रिवन है और इसकी प्राइस भी कम है, आपके लिए बिल्कुल मैं कम कर दिया, मैं बताता हूँ लोगों को ज़्यादा हूँ, आस्किंग इसकी डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन आज मैं इसके लिए प्राइस कम कर दिया 6,10,000। 6,10,000 रुपये में मारुति सुजुकी सियाज आपकी विद VIP नंबर, बहुत अच्छी डील है। एक बार आओ सर के साथ बैठ के बात करो, इसमें भी सर नेगोशिएबल है या जी? बिल्कुल बिल्कुल नेगोशिएट, डेफिनेटली नेगोशिएट करूंगा, लेकिन ये माइट भी नेगोशिएशन होगा क्योंकि मैं गाड़ियों में क्वालिटी दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि आप नेगोशिएट करके मुझसे चले गए। आपको कई लोग करते होंगे नेगोशिएट, मतलब क्लाइंट को करते होंगे कई लोग नेगोशिएट, लेकिन उसमें जाके उसको रोना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि क्लाइंट से अच्छा रेट दे दो, अच्छा काम करा लो, ट्रबल फ्री कार मिलेगी आपको। yes, कहने yes, का exactly. मतलब सर का ये है कि आप जाओ और इसको चलाओ, आपको खुशी रहेगी, आपको मजा आएगा कि आपने यहाँ से कार ली। एग्जैक्टली नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, एक और सियाज आ गई है सर। जी तो ये सियाज है, मारुति सियाज डेल्टा वेरिएंट है और ये पेट्रोल में है, पेट्रोल हाइब्रिड 2020 का मॉडल है, 2020 का मॉडल है और ये फर्स्ट ओनर लेस ड्रिवन 28,000 ओनली। ठीक है, 28,000 ड्रिवन है, 1 साल पुरानी कार है। सर क्या डिमांड है इसकी? सर इसका डिमांड रहेगा 8,90,000 का। 8,90,000 रुपये में 1 साल पुरानी कार आपकी यार। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, निसान की टेरानो। जी तो ये टेरानो, ये मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, डस्टर का जुड़वा भाई है। जी जी, सब लगभग सारे फीचर्स हैं, बस कंपनी निसान है जी। ये टेरानो है, ऑटोमेटिक 2017 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है, और 70,000 ड्रिवन है, डिमांड बहुत हाई है इसका मार्केट में, लोगों को बहुत मतलब चहेता गाड़ी है ये, तो मैं मानूंगा बिल्कुल जी। इसकी प्राइस आर्यन भाई आपके लिए रहेगी 7,90,000 की। 7,90,000 पे निसान टेरानो आपकी। सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर कस्टमर ने कुछ करवा रखा हो? नो, ये फुली जो कंपनी की तरफ से होती है, एज ओरिजिनल पूरी की पूरी वही है। आगे ये फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। जी ये फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम, ये डीजल है, 2014 चली हुई है, 47,000 एंड ये फर्स्ट ऑनर है और इसकी भी प्राइस रहेगी बहुत ही लेस, 470 की। फोर्ड इको स्पोर्ट्स डीजल में है, फरीदाबाद नंबर है, 2014 मॉडल है, 470 में फोर्ड इको स्पोर्ट्स आपकी। नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, TUV, महिंद्रा की TUV। जी तो ये महिंद्रा TUV, ये ऑटोमेटिक डीजल है विद फैंसी नंबर अगेन, और ये चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 70,000 के आसपास ही चली हुई है और इसकी प्राइस रहेगी आपको 590।
590 में 70,000 किलोमीटर ड्रिवन 9898 फैंसी नंबर के साथ TUV आपकी। 7 सीटर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं सर, IVTEC इंजन के साथ होंडा की अमेज जी, दिल्ली नंबर कार है ये। हाँ जी, ये होंडा अमेज पेट्रोल में है, VX वेरिएंट है, 2015 का मॉडल है, ये दिसंबर का है, मतलब 2015 एंड का है। ठीक है, 2016 हाँ लग अप्रोक्स। सर डेट भी सुनिए, 31 दिसंबर 2015 का है। क्या बात है, 31 दिसंबर 2015 का, ये अटक गया बीच में जी, बीच में बस वो थोड़े समय के लिए अटक गया। और इसकी प्राइस रहेगी आपको 4,65,000 की। 4,65,000 रुपये में 2015 31 दिसंबर का रजिस्ट्रेशन है। सर क्या डिमांड है इसकी? सर इसका मैंने बताया अभी 4,65,000। 4,65,000। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, बलिनो जी। तो ये है बलिनो का जेटा, और 2016 फर्स्ट ओनर है, चली हुई 70,000 है, ये डीजल में है, ठीक है। और अगेन ये एक फैंसी नंबर है, फरीदाबाद रजिस्ट्रेशन है। इसकी प्राइस आपको रहेगी आर्यन भाई 5,15,000। 5,15,000 में बलिनो जेटा फैंसी नंबर 9595, ये भी 9595, वो भी 9595, 9898। तो सर बहुत बढ़िया डील है। ये आ गई आपकी सर होंडा सिटी ब्लैक कलर जी। ये होंडा सिटी ब्लैक कलर मॉडल 2009 है, ठीक है। EMT वेरिएंट है। टायर्स इसके बहुत अच्छे कंडीशन में चली हुई 60,000 है। ओनर भी इसका फर्स्ट है, जो भी इसका ओनर था इसकी जो मेंटेनेंस है उसने बहुत सही रखी है, ठीक है। अनटच गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन में। और इसकी प्राइस जो रहेगी सर आपके लिए रहेगी 2,30,000 की। 2,30,000 रुपए में 2009 मॉडल। यस सर, जो कि इसको मार्केट में अभी भी लोग जो इसकी आस्किंग रखे 2,50,000 2009 की मॉडल, लेकिन ये 2,30,000 थोड़ा सा नेगोशिएट में आपके लिए। 2,30,000 में भी नेगोशिएबल है, और मार्केट प्राइस सर ने बताया 2,50,000 रुपए लोग मांगते हैं जी। बाहर भी कुछ कार्स हैं, अब बाहर आ गई सर स्कॉर्पियो जी। ये स्कॉर्पियो VLX 2013 का मॉडल है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे पास मीटर टेम्परिंग होता नहीं है, ठीक है सर। ये चला हुआ है 1,18,000। सर स्कॉर्पियो के इंजन आप बताओ कितने किलोमीटर तक चलते हैं? चलने के लिए तो बहुत चल जाते हैं, अपने अपने चलाने पे डिपेंड है। 3 से 5 लाख कहीं नहीं बोलता इसका इंजन महिंद्रा। बताओ सर इसके बारे में। सर ये भी फर्स्ट ऑनर है, 1,00,000 चली हुई है, VLX मॉडल है, ठीक है। एंड इसकी प्राइस आपको रहेगी 4,20,000 की। 4,20,000 में 7 सीटर स्कॉर्पियो आपकी 2013 मॉडल, ठीक है जी। अब नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, होंडा की जैज। ये जैज है 2016 की, चली हुई है केवल 23,500, ठीक है, बहुत कम चली हुई, UP 14 पे है, ठीक है। और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 5,50,000 का। 23,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है होंडा की जैज, आस्किंग है 5,50,000 रुपए की। नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं, एक और स्कॉर्पियो आ गई, न्यू शेप है ये, एलॉय व्हील्स के साथ, HR 26 नंबर है जी। ये स्कॉर्पियो है 2018, ठीक है, S11 टॉप मॉडल है, चला हुआ है 91, और इसकी प्राइसिंग आपके लिए रहेगी केवल और केवल 13,60,000 की। 13,60,000 रुपए में S11 टॉप मॉडल स्कॉर्पियो आपकी यार। अब आ गई है फोर्ड एंडेवर ओल्ड शेप। यस सर, दिस इज 2012 मॉडल, ठीक है, चली हुई भी बहुत कम है 12 के कंपैरिजन, क्योंकि इसको यूज़ करने वाला जो इसका ओनर था बहुत साफ सुथरे से, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करता था। और जो इसका रनिंग है वो सिर्फ 64 है, ठीक है जी, और विद फैंसी नंबर अगेन एंड फरीदाबाद रजिस्ट्रेशन है। और इसकी प्राइस रहेगी आपके लिए 5,25,000 की। 5,25,000 में 2012 मॉडल एंडेवर, जो कि बिल्कुल क्लीन कार है, और VIP नंबर है, नंबर दिखाऊंगा 0999, ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। सर ये नंबर कितने का आया होगा? ये नंबर अप्रॉक्सीमेट वही 1,00,000 के आसपास आया होगा। 1,00,000 का तो नंबर मिल रहा है आपको भाई, तो ये तो एकदम बढ़िया डील है, जाने मत देना। अब यहीं पर आ जाते हैं सर, निसान की सनी खड़ी है जी। ये निसान सनी एक्सेल है, और ये 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, पुश बटन स्टार्ट के साथ आती है ये, और इसकी प्राइस रहेगी आपको 3,20,000 की। 3,20,000 रुपये में डीजल, 2013 मॉडल, 2013 मॉडल दिल्ली नंबर कार है, 2013 मॉडल है, और 3,20,000 रुपये में सनी। स्पेशियस कार बहुत है ये, स्पेशियस, स्पेस बहुत है इसमें, लंबी भी बहुत गाड़ी है, और बूट स्पेस इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल। और सर CNG में भी कामयाब है ये, काफी लोग इसमें CNG, ये डीजल है, ओ सॉरी, ठीक है, तो लेकिन पेट्रोल वर्जन इसका CNG में, CNG में कामयाब है। हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, अब आते हैं भाई नेक्स्ट फोर्ड की इको स्पोर्ट्स जी। आर्यन भाई ये है 2016 का फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है, चली हुई बहुत कम है, 64,000 के आसपास चली हुई है,
और इसकी प्राइस आपके लिए रहेगी 680 की, जो कि मैं थोड़ा सा नेगोशिएट डेफिनेटली कर दूँगा। 680,000 रुपये में फोर्ड एक्को स्पोर्ट्स आपकी, जो कि लेस ड्रिवन है। सर कितने किलोमीटर ड्रिवन है ये? 64,000 किलोमीटर ड्रिवन है। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं सर, स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट डिज़ायर ये 2017 का V8 का ही वेरिएंट है और इसकी ड्रिवन है 41,000 ओनली। ठीक है जी। और इसकी प्राइस रहेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 5,15,000 की। 2017 का मॉडल है, 5,15,000 रुपये में स्विफ्ट डिज़ायर आपकी। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, i20 रेड कलर में बहुत अच्छी लग रही है सर, बताओ उसके बारे में। चेरी रेड कलर है, 2016 का मॉडल है, चली हुई है 56 पेट्रोल, स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये। ठीक है। और इसकी जो प्राइस रहेगी आर्यन भाई आपके लिए रहेगी 5,40,000 की। 5,40,000 में 56,000 ड्रिवन है। हाँ जी सर। कितने साल पुरानी कार है ये? सर 2016 की है। 2016 मिड की रजिस्ट्रेशन है, जुलाई की जी 2016 में। क्या बात है भाई जी। नेक्स्ट कार की तरफ आ गए हैं सर, i20 ओल्ड शेप। जी ये i20 2012 मैग्ना वेरिएंट है पेट्रोल में। ठीक है। और इसकी जो रनिंग है सर ये है 70,000 की, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इसकी प्राइस आपको रहेगी सिर्फ और सिर्फ 3,25,000 की। 2012 70,000 किलोमीटर ड्रिवन है, प्राइस 3,25,000 की आस्किंग है, उसमें भी नेगोशिएट करेंगे। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं सर, होंडा की ब्रियो। जी ये होंडा ब्रियो है, ये वी वेरिएंट पेट्रोल में 2012 की भी है ये। ठीक है। और इसकी जो रनिंग है लाइक अप्रोक्सीमेट 70 ये भी चली हुई है। ठीक है। ये भी फर्स्ट ऑनर है। ठीक है। ये फ्यूल पेट्रोल है और इसकी आस्किंग प्राइस है हमारे यहाँ 2,75,000 की। 2,75,000 रुपये में 2012 का मॉडल जो कि 70,000 किलोमीटर ड्रिवन है, बहुत अच्छी डील है सर। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, एक और रेड कलर की ब्रियो खड़ी हुई है यहाँ पे, लाइन से स्टॉक रखा हुआ है सर ने सजा के एकदम जी। इसके बारे में बताओ सर। सर ये है ब्रियो का सेम वेरिएंट है। ठीक है। ये भी पेट्रोल में है, बस ये कलर रेड है एंड ये 2015 का है। 2015 का। जी, ठीक जी, है जी। इसमें इंश्योरेंस भी वैलिड है अभी भी। ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट मेरी सभी गाड़ियों में इंश्योरेंस वैलिड होता है, माइट भी किसी में नहीं हो जाए लेकिन मैक्सिमम गाड़ियों में होता है। इसकी जो रनिंग है सर ये भी 70,000 के आसपास चली हुई है। ठीक है। और इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो 3,45,000 की। 3,45,000 रुपये में 2015 का मॉडल है, 2015 की रजिस्ट्रेशन है, 70,000 किलोमीटर चली है, डील अच्छी है, देख सकते हो। अब आ जाते हैं सर एक बार i10। तो ये i10 है 2012 मॉडल का, ये भी 70,000 चला हुआ है, फर्स्ट ओनर पेट्रोल गाड़ी है, कप्पा 2 वेरिएंट है स्पोर्ट्स में। ठीक है। और इसकी फर्स्ट ओनर आस्किंग प्राइस है इसका हमारे यहाँ 2,40,000 की। 2,40,000 रुपये में i10 आपकी, वाइट कलर बहुत अच्छा लग रहा है जी। नेक्स्ट टायर्स भी ऑलमोस्ट न्यू है, टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, इंटीरियर भी बहुत अच्छी है, अनटच्ड गाड़ी है सर। अनटच्ड गाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, ये आपकी आ गई सर विजय माल्या, फोर्ड इंडिया छोड़ के चली गई है, इसके बारे में बताओ सर। तो विजय माल्या जी की बात अलग है लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी लेकिन ये हमेशा रहेगा, 10 साल की सर्विस इसमें अभी भी बाकी है। हाँ। सो ये अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी जा रही है, सर्विस सेंटर अभी भी यहीं पे है। सर्विस एंड स्पेयर पार्ट आपको आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। राइट जी। तो ये फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम 1.5D ये 2014 डीजल में है, चली हुई है सिर्फ और सिर्फ 70,000 और इसकी भी प्राइस रहेगी आपको 4,85,000 की। 4,85,000 रुपये में 70,000 किलोमीटर ड्रिवन गाड़ी है, टाइटेनियम मॉडल है, वाइट कलर है, ज़बरदस्त कार है, ज़बरदस्त डील है, अलॉय व्हील्स के साथ, कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट कार की तरफ आते हैं, अनरजिस्टर कार है XL6। एक बार आप अपने व्यूअर को गाड़ी दिखाइए, गाड़ी देखिए आप, ये है XL6 2021 न्यू शेप पेट्रोल में और सर ये अनरजिस्टर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनरजिस्टर्ड गाड़ियों के बारे में। अनरजिस्टर्ड मतलब ये न्यू है, आप कंपनी से लेने जाओगे, आपके नाम पे रजिस्टर हो गया, फर्स्ट ओनर बनोगे, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर आपको सर दे रहे हैं जी। तो मतलब आप नई कार बेच रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, नई कार बेच रहा हूँ। क्या बात है, बिना किसी वेटिंग लिस्ट के, अगर कोई बायर आता है मैं तुरंत उसको गाड़ी दूंगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत की तुरंत गाड़ी, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, ऑल ओवर इंडिया फाइनेंस हो जाएगी इसमें। और वो अगर बायर कहीं बाहर से, आउट ऑफ स्टेट है, हमारे दिल्ली NCR के बाहर से हैं, तो उनको ये गाड़ी जैसे RJ राजस्थान में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो वहाँ भी हो जाएगा, महाराष्ट्र में कराना चाहते हैं तो MH भी हो जाएगा, इजीली ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा सर, कोई बंदा बोले मेरी वीडियो देखे यार गाड़ी पसंद आ गई है, बुकिंग करानी है जी,
तो मैं आपका नंबर छोड़ दूँ, फोन पे बुकिंग हो सकती है? फोन पे बुकिंग हो सकती है, और ये गाड़ी मैं उनको डेफिनेटली डिलीवर भी करा सकता हूँ अगर वो, मैं क्लाइंट को ये कहता हूँ कि आप सामने आओ, गाड़ी देखो, एक बार गाड़ी पसंद करो, उसके बाद क्या पता आप हमको ज़्यादा पैसे दे के जाओ। क्या बात है। क्योंकि देखिए गाड़ी में हम जो देते हैं वो क्वालिटी देते हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ी पर, सर ये तो नहीं है, इसमें तो क्वालिटी की बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो किलोमीटर ड्रिवन बिल्कुल न्यू कार है। इसमें सर हमारे चैनल की तरफ से 70,000 का सर डिस्काउंट दे रहे हैं। सर बताओ इसके बारे में पहले तो जी, बताना क्या है, बस बताना बता दो। आप देख सकते हो नेट में, जो इंक्वायरी करो, जो आपका एक शोरूम प्राइस है जहाँ का है, मैं आपको 70,000 का डिस्काउंट दूंगा। फ्यूल टाइप क्या है इसका? फ्यूल है इसका पेट्रोल। ठीक है, और सर कुछ फीचर्स के बारे में बताओ इसके। कुछ फीचर्स इसमें आपको बैक कैमरा मिलता है, पुश बटन स्टार्ट मिलता है, कैप्टन सीट मिलती है, ठीक है, एक बार आप ये डिस्प्ले हमको मिलेगा, ठीक है, इंफोटेनमेंट मिल जाएगा इसका, इंफोटेनमेंट मिल जाएगा आपको, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट है, बाकी एक बार आप इंटीरियर की लुक दिखा सर। अब डिमांड भी बताइए तो। सर डिमांड जो बताया ना आपको, इसमें जो भी प्राइस होती है एक्स शोरूम, ठीक है, इसमें मैं 70,000 का डिस्काउंट आपको दूंगा। ठीक है जी, जो भी भाई एक्स शोरूम प्राइस है उसमें 70,000 का डिस्काउंट सर की तरफ से मिलने वाला है। ऑल ओवर इंडिया लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ट्रांसफर भी सर अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ अवेलेबल है। आप बता रहे थे कि ऐसी अनरजिस्टर कार आपके पास 8-9 खड़ी हैं स्टॉक में। जी देखिए 8-9 खड़ी हैं मेरे पास गाड़ियाँ थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 गाड़ियाँ सेल हो चुकी है। ठीक है, अभी भी मेरे पास ZXi एंड ZXi प्लस कलर्स में मिलेंगे सर इसको आपको, व्हाइट कलर एंड मरून कलर जो आती है, और एक्सेस इसमें मेरे को ये कलर मिलेगा आपको, जिसको मैं ग्रे कलर कहूँगा, ग्रे कलर में आपको एक्सेस 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सर का नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, आप चेक कर लेना और सर से कॉन्टेक्ट करके एक्सेल 6 को बुक करा लो, 70,000 रुपये का डिस्काउंट है जी। एक और अर्टिगा खड़ी है सर, दिखाओगे? जी हाँ हाँ, ये अर्टिगा है। तो भाई एक और अर्टिगा आ गई है, अनरजिस्टर्ड, मतलब न्यू कार है, नंबर 0 किलोमीटर ड्रिवन है। सर इसके बारे में बताओ। सर सेम मैंने बताया, ये अर्टिगा ZXi है, ये भी सर है मतलब अवेलेबल है, ये अवेलेबल है वाइट कलर एंड मरून कलर में मेरे पास, और ये जो अभी यहाँ पे खड़ी हुई है ये जस्ट अभी डिलीवर होने के लिए खड़ी हुई है, अभी क्लाइंट हमसे परचेस किया है। अच्छा, थोड़ी देर बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा सर, क्लाइंट को 50,000 का डिस्काउंट दिया या 70,000 का? सर देखिए ऐसा है कि हमने क्लाइंट को डिस्काउंट दिया, लेकिन आपके जो क्लाइंट आएंगे उसको हम 70,000 का डिस्काउंट देंगे। क्या बात है। अच्छा, तो भाई मैं बोलूँगा एक बार ये कार तो ज़रूर देख सकते हो, वीडियो के थ्रू आप देख सकते हो, इसमें तो कुछ चेक भी नहीं करना क्योंकि सर सारी कार एकदम ब्रांड न्यू है। यस सर, है ना। तो भाई कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो सर इंस्टाग्राम पे भी है और सर वेबसाइट भी है आपकी, क्या क्या, आप सर खुद ही बता दीजिए। जी देखिए हम इंस्टाग्राम पे हैं, माई ऑटो एम्पायर इंडिया के नाम से, उसमें हमारे नंबर्स भी हैं, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपके हमारे पास इन सब गाड़ियों के अलावा और भी गाड़ियाँ हैं जो कि स्टॉक में अवेलेबल है, आज हमने इतनी ही गाड़ी कवर करी है। अगर आपको और भी स्टॉक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो और उसमें और भी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हो। उसमें नंबर भी है हमारा, और अभी इस चैनल में इसका लिंक भी दे देंगे आर्यन भाई को। ठीक है, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, सर का इंस्टाग्राम हैंडल, सर का कॉन्टैक्ट नंबर, सर का एड्रेस, सर का गूगल मैप पे लोकेशन, जो जो सर मुझे प्रोवाइड कराएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और स्क्रीन पे सर का नंबर डाल दूंगा। आप सर से व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एवरी टाइम यू आर फ्री टू कॉल मी, आप बिल्कुल कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। इवन यू कैन कंसल्ट फॉर कार, फॉर न्यू कार एंड सेकेंड हैंड कार, मैं डेफिनेटली आपका सर्विस दूंगा। क्या बात है सर। गाइज यार, अभी आपको मैंने ये वाली कार दिखाई थी अनरजिस्टर्ड, बिल्कुल न्यू जैसी, 0 किलोमीटर ड्रिवन, ये कार इसी 1 घंटे के अंदर बिक भी गई है। कस्टमर से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका डीलरशिप के साथ। सर एक बारी आओ सर, क्या कहाँ से देखकर आए थे ये कार के बारे में, कैसे पता लगा आपको? सर हमने अभी ऑनलाइन चेक किया था बीच में, ठीक तो है, इसमें एड्रेस यहाँ का आया तो हम आके अभी बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी हमें गाड़ी मिल गई है, बस हमें इसी बात की खुशी है। अच्छा, अर्टिगा का बहुत ही लंबा टाइम चल रहा है, वेटिंग पीरियड इसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन हमें अनरजिस्टर्ड कार्ड नहीं, बहुत ही जल्दी मिल चुका है हमें। अच्छा, अब हम लेके जा रहे हैं बस। अभी आप 1 घंटे पहले आए थे और 1 घंटे में इनको मिल गई है, 1 घंटे में डिलीवरी भी हो चुकी है, ये लगा लो। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन लोगों? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाकी और भी लोग आएंगे तो पता लगेगा, लेकिन हम खुश हैं, हम लेके जा रहे हैं अभी गाड़ी को। हाँ सर, अभी आए हैं 1 घंटे पहले, जब मैंने शूट स्टार्ट किया था ये लोग आए थे कार की इंस्पेक्शन करने, अंदर इनकी डील चल रही थी और इन्होंने ये कार डन कर दी है। तो भाई बोलूँगा एक बार आप भी आ सकते हो, ये बहुत अच्छी डील है अनरजिस्टर्ड कार की, अंदर एक्सेल 6 खड़ी हुई है, 5 कार और स्टॉक में है, बिल्कुल न्यू ही कार है, तो कंसीडर कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको स्टॉक पसंद आया होगा। बात बोलूँगा कि यार इस स्टॉक की खास बात बताऊँ क्या, अनरजिस्टर्ड कार
अगर आप न्यू कार प्लान कर रहे हो तो मैं बोलूँगा भाई न्यू कार के बजाय आप यहाँ से कार ले लेना। अगर आप अर्टिगा प्लान कर रहे हो, एक्सेल सिक्स प्लान कर रहे हो, तो मेरी सजेशन ये है कि आप यहाँ से ले लेना। आपको 0 किलोमीटर ड्रिवन ब्रांड न्यू फर्स्ट ओनर आपके उसमें रजिस्टर होगी। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि सेकेंड हैंड मार्केट में भी होती है। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी जिसके टाइटल में आता था अनरजिस्टर्ड कार, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग मुझे आज पता लगा। तो भाई उम्मीद है कि आपको भी मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और उम्मीद है कि आपको मेरा स्टॉक अच्छा लगा होगा। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, अपने सजेशंस दो और जो भी आप मेरे से बन पाएगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार डीएवी स्कूल नियर डी आज हम आए हैं। पी एफ सिर्फ और सिर्फ 47,000 यार। कलर इसको मैं चेरी रेड बोलूंगा। ठीक है जी, एक्चुअली चेरी रेड नहीं, चेरी साइन रेड बोलते हैं जो कुछ लोग होते हैं। ठीक है जी, एक मिनट इसको कट करो यार। हाँ।